हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मदर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज से पहले की हमारी तमाम वीडियोस में आपने 26 अल्फाबेट्स की करेक्ट फॉर्मेशन और साउंड्स के बारे में सीखा, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हम बात करेंगे फोनीम और ग्राफेम की। सो अल्फाबेट्स को सीखने के बाद जो सबसे नेक्स्ट स्टेप है वो फोनीम और ग्राफेम का आता है। फोनीम और ग्राफेम को सीखना क्यों जरूरी है और ये क्या है, आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले हम फोनीम को देखते हैं। फोनीम के बारे में अगर हम बात करें तो ये साउंड है। कोई भी साउंड जो हम सुनते हैं या जो हम बोलते हैं उसको हम फोनीम बोलते हैं। जैसे कि हमने 26 अल्फाबेट सीखे, उन सबके साउंड हैं वो सब के सब फोनीम है। और अगर हम ग्राफेम के बारे में बात करते हैं तो इन फोनीम को लिखने के लिए हम जिन अल्फाबेट्स या जिन लेटर्स को चूज करते हैं वो ग्राफेम होते हैं। जैसे म एक साउंड है, उसको लिखने के लिए हम एम का अल्फाबेट यूज करते हैं। तो एम ग्राफेम है और म फोनीम है। 44 फोनीम्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, टोटल 44 साउंड्स हैं। हमने अभी तक देखा कि 26 अल्फाबेट्स के 26 साउंड्स हैं। आप सोचेंगे कि ये 44 साउंड्स कहाँ से आ गए, तो कुछ फोनीम्स हम अल्फाबेट्स की कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं। जैसे कि दो अल्फाबेट्स को या तीन अल्फाबेट्स को, समटाइम्स चार अल्फाबेट्स को जोड़कर भी एक साउंड बनाया जाता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये 44 जो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड हैं वो कौन से हैं। तो हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर फोनीम्स को, इन टोटल 44 फोनीम्स को सीखेंगे। ग्राफीम्स की अगर हम बात करें तो ग्राफीम्स बहुत बहुत सारे हैं जिनको इस तरह से सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं, तो साथ साथ हम देखते जाते हैं कि किस तरह से हम इन ग्राफीम्स को सीख सकते हैं। 44 फोनीम्स को लिखने के लिए कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, उसको हम सीख सकते हैं। फोनीम और ग्राफीम की एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ग्राफीम, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी फोनीम को लिखने का एक तरीका है, उसको हम ग्राफीम कहते हैं। और फोनीम हम जानते हैं कि एक साउंड है। एक वर्ड के अंदर डिफरेंट साउंड्स होते हैं, जैसे कैट के अंदर ख ए ठ तीन साउंड्स हैं। सो कोई भी साउंड जो है वो उस वर्ड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है। तो फोनीम जो है वो वर्ड्स के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट है और एक साउंड है। हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हमारे पास ख का फोनीम है। अभी हम देखते हैं कि ख के फोनीम को हम किन ग्राफीम की हेल्प से लिख सकते हैं। ख को हम सी से लिख सकते हैं, जैसे कार के अंदर सी जो है वो क का साउंड दे रहा है। फिर हम इसको के से लिख सकते हैं, जैसे केटल के अंदर के क का साउंड दे रहा है। इसको हम सी और के से भी लिख सकते हैं, रॉक के अंदर सी और के हमें क का साउंड दे रहे हैं। स्कूल के अंदर सी और एच मिलकर भी क का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्वीन में क्यू भी क का साउंड देता है। यानी कि क एक फोनीम है, एक साउंड है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास कितने सारे ग्राफीम्स अवेलेबल है, जैसे सी के सी के सी एच और क्यू, सबके सब मिलकर हमें क का साउंड ही देंगे। ये तो कुछ एग्जाम्पल थी। इसके अलावा और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आप क का साउंड लिख सकते हैं, और टोटल 44 फोनीम्स को लिखने के लिए बहुत सारे ग्राफीम्स अवेलेबल हैं। अभी हम फोनीम्स की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ फोनीम है। ग्राफ फोनीम का मतलब है कि एक लेटर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम एस को ले सकते हैं। एस से एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि है, यानी एस एक लेटर है और इसका फोनीम है स। ग्राफ के बाद दूसरी कैटेगरी डायग्राफ फोनीम की है, जिसमें टू लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल एस और एच की है। S और H मिलकर श का साउंड देते हैं, यानी दो लेटर मिलकर एक फोनीम बनाते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी ट्राइग्राफ फोनीम, जिसमें तीन लेटर मिलकर एक फोनीम बनाते हैं। इसकी एग्जांपल में हम आई, जी और एच को देख सकते हैं। आई, जी और एच जो है वो आई का साउंड देते हैं हमें, जिसमें हम अगर एच ऐड कर देंगे तो ये हाई बन जाता है, और अगर हम इसमें एस ऐड कर देते हैं तो ये साई बन जाता है। यानी आई, जी, एच जो है वो ट्राइग्राफ फोनीम्स की एक एग्जांपल है। ये तीन लेटर्स से मिलकर एक साउंड आई बनता है। नेक्स्ट कैटेगरी में क्वाड्राफ फोनीम्स है, जिसमें फोर लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी एग्जांपल के लिए हम ओ, यू, जी और एच को देख सकते हैं। ओ, यू, जी, एच फोर लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो है ऑफ। ऑफ का साउंड ओ, यू, जी, एच के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम इसके साथ सी को ऐड कर दें तो खौफ बन जाता है, और अगर हम इसके साथ आर को ऐड कर दें तो रफ बन जाता है। सो ओ, यू, जी, एच मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑफ। ये थी हमारी कैटेगरीज। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स में हम सीखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने फोनीम्स हैं और इनको किन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है। सो जैसे कि आपने सीखा कि हमारे पास 44 फोनीम्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। एटीन कॉन्सोनेंट्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन हैं, यानी डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर बनते हैं। 5 जो हैं वो शॉर्ट वॉल्स हैं, 5 ही लॉन्ग वॉल्स हैं, 2 अदर वॉल्स, 2 वॉल्स डिफ्थोंग्स, 5 आर कंट्रोल वॉल्स। तो ये सब टोटल मिलकर 44 बन जाते हैं। तो आने वाली हमारी अगली वीडियो में हम जरूर इन 44 फोनीम्स के बारे में सीखेंगे। ये 44 फोनीम्स कौन से हैं, इनको हम साउंड आउट कैसे करते हैं और इनको लिखते किस तरह से हैं। तो ये तो होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।